हेलो फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है नवजोत क्लेयर जी का है, सीए रिपोर्ट इज मैंडेटरी और नॉट। एक्चुअली अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं। आज का जो क्वेश्चन है नवजोत जी का, जो हमारी जो कनाडा स्टडी वीज़ा के कंप्लीट प्रोसेस की वीडियो उसके नीचे है, इसीलिए मैं इसको स्टडी वीज़ा में ही कंसिडर करूँगा। कैनेडा स्टडी वीज़ा के लिए जो सीए रिपोर्ट है वो मैंडेटरी नहीं है, जो एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है। स्टडी वीज़ा की फाइल में बहुत सारे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे SOP, ITR, बैंक बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट हो गया, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं। एक्चुअली जो सीए रिपोर्ट होता है वो क्या होता है कि आपके टोटल एसेट्स कितने हैं जिस कंट्री से आप आ रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई मकान है, कोई शॉप है, कोई प्लॉट है, कोई एग्रीकल्चर लैंड है, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, कोई गोल्ड पड़ा है, EPF पड़ा है, आपके पास व्हीकल्स हैं, ठीक है, आपका कोई शेयर है शेयर मार्केट में, यानी कि टोटल एसेट्स आपके पास कितने हैं, जिससे आपके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पता लग सके कि आप जिस कंट्री से आ रहे हैं वहाँ पर वेल सेटल्ड हैं। अगर आपकी सीए रिपोर्ट 1 CR से ज़्यादा है तो आपको 100% साथ लगानी चाहिए। अगर 1 CR से नीचे है तो आप उसको नहीं भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो डॉक्यूमेंट आपको सपोर्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है वीज़ा लेने के लिए, चाहे वो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, चाहे वीज़ा ऑफिसर ने वो डिमांड नहीं किया, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं आपको उसको 100% हाईलाइट करना चाहिए, शो करना चाहिए, साथ में देना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल हैं मगर आपको सपोर्ट नहीं, आपको बेनिफिट नहीं देंगे, वो लॉस करेंगे आपका, उसको आपको नहीं देना चाहिए। तो वो हर डॉक्यूमेंट को देखना पड़ता है कि ये डॉक्यूमेंट आपको हेल्प करेगा या नहीं करेगा, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें सीए रिपोर्ट लगाना है नहीं लगाना। आपके ITRs अच्छे हैं तो लगाने चाहिए, नहीं अच्छे हैं तो नहीं लगाने चाहिए। स्पॉन्सर्स कौन है उसका डिटेल आपको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। जितनी बात अगर हमें हेल्प करेगी तो हमने वो बात बतानी है, जहां पर हमें लगता है कि ये हमारी हेल्प नहीं करेगा डॉक्यूमेंट, उसको हमने नहीं देना। तो ये टोटल जो डिपेंड करता है जब हम फाइलिंग करते हैं कि आपकी फाइल में कौन से डॉक्यूमेंट जाने चाहिए। मगर जितने भी बच्चे हैं, मैं हमेशा उन बच्चों को यही रिकमेंड करता हूं, जब आप अपनी फाइलिंग करते हैं तो आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन होना चाहिए, चाहे फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं चाहे सेकेंड टाइम कर रहे हैं, कि आपको जो लास्ट चांस मिला है अप्लाई करने का, जो भी कुछ है आपके पास अभी लगाना है। एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी होनी चाहिए आपकी फाइलिंग में, तभी आपको वीज़ा मिलता है। बहुत सारे बच्चे लॉस करते हैं अपना, ऐसे ही फाइल लगा देते हैं जैसे उसको गाइड किया जाता है। हमेशा आप देखिए कि आपके लिए क्या सही है। अगर आपके कंसल्टेंट आपको कुछ कह रहे हैं, अगर आपको उस पर डाउट है, तो बहुत सारे कंसल्टेंट और हैं, वहाँ से आप जस्ट एडवाइस ले सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए हमेशा से ओपन रहती है, 9551760001 पे आपको कोई भी डाउट है, आप हमसे फाइलिंग करवा रहे हैं, आप किसी से भी करवा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हमारी टीम हमेशा से सर्विस देती है। 100+ बच्चे हमें डेली बेसिस पे कॉल करते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछते हैं। आपके लिए भी हमेशा हमारा नंबर अवेलेबल रहता है, 9551760001। आप कभी भी अपना डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे जो एफर्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। आप सभी से सिर्फ एक ही सपोर्ट मुझे चाहिए रहता है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो 9551760001 पे कॉल करिए, जहाँ यूट्यूब की किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट Q&A सेशन में आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।